वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार बालाजी। हम लोग का जो रनिंग चैप्टर चल रहा है वो सेल्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के विषय में चल रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका संरचना तथा कार्य। अभी तक जो हमने वीडियोस देखे हैं उन वीडियोस में मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनल्स के विषय में देखा है, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स, वॉल्जी बॉडीज एक्सेट्रा, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ। उपापचयी निष्क्रिय पदार्थ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा प्लांट्स में बनते हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर वन, रिजर्व फूड मटेरियल्स, हिंदी में इसको कहते हैं संचित भोज्य पदार्थ। नंबर टू, सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रावी पदार्थ। नंबर थ्री, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। सो हम पहले बात करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल की। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड मटेरियल का निर्माण होता है और ये फूड मटेरियल प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं, विशेष तौर से स्पेशली दे आर स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, बर्ड्स एक्सेट्रा। ये भूमिगत तनों, जड़ों, कलिकाओं में संचित हो जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, नंबर वन कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर टू नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स एंड नंबर थ्री फैट्स एंड ऑयल्स। सो हम बात करते हैं सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज CH2O N। ये मैंने लिख रखा है, इसको देख लीजिएगा। और इनका जो रेशियो होता है इन एलिमेंट्स का 1:2, 2:1। कार्बोहाइड्रेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो वाटर में वाटर के समान ही होता है, 1:2, इसलिए इनको हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ये पांच प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स आर सिंपल सॉल्युबल इन वाटर, स्वीट इन टेस्ट, एग्जाम्पल फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। मोनोसैकेराइड्स सरल, जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे होते हैं और इनका उदाहरण है फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज डाइसैकेराइड्स, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड जॉइन बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टू फॉर्म डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स के दो अणुओं के ग्लाइकोसिडिक बंध के मिलने से या जुड़ने से एक डाइसैकेराइड अणु बनकर तैयार होता है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज और इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिखा है C12H22O11। थर्ड वन इज ट्राइसैकेराइड्स। ट्राइसैकेराइड्स प्लांट्स में रेफिनोज के फॉर्म में मिलता है और ट्राइसैकेराइड्स का एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज बनाता है। नंबर फोर, ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में जब कार्बोहाइड्रेट्स का वाटर हाइड्रोलिसिस होता है तो मोनोसैकेराइड्स के जब 4 से 10 मॉलिक्यूल्स बनते हैं तब उसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स में जल अपघटन के करने पर जब मोनोसैकेराइड्स के 4 से 10 अणु बनते हैं तब उसको ओलिगोसैकेराइड्स कहते हैं। पॉलीसैकेराइड्स फिफ्थ वन है। पॉलीसैकेराइड्स में कार्बोहाइड्रेट्स के जब 10 से ज्यादा अणु मोनोसैकेराइड वाटर हाइड्रोलिसिस के द्वारा 10 से अधिक मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स का देता है तब वो पॉलीसैकेराइड्स बनता है। एग्जांपल इंसुलिन, स्टार्च, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एक्सेट्रा। सेकेंड रिजर्व फूड मटेरियल है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन 51%, ऑक्सीजन 25%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 4%।
नाइट्रोजन युक्त पदार्थ कई तत्वों से मिलकर बनते हैं, कार्बन 51%, ऑक्सीजन 25%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 4%। इनके अलावा कभी कभी फास्फोरस भी पाया जाता है, समटाइम्स फास्फोरस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स। द थर्ड वन इज फैट्स एंड ऑयल्स, वसा तथा तेल। सो फैट्स एंड ऑयल्स, सो इन कंपैरिजन टू इट कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन ज्यादा लिबरेट होती है, फैट एंड ऑयल में कम होती है। फैट्स एंड ऑयल्स में एनर्जी ज्यादा लिबरेट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स, इसको हिंदी में कहते हैं श्रावी पदार्थ। सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स, ये पौधों में भोजन के रूप में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन दे आर प्रेजेंट इन स्पेशल ग्लैंड्स, ये विशेष प्रकार के ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, नंबर वन कलरिंग मटेरियल्स जिसको हिंदी में कहते हैं रंग देने वाले पदार्थ। प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और इसके अंदर ग्रीन कलर प्रोवाइड करने का विशेष पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल को ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, और इसका जो पिगमेंट होता है ये दो प्रकार के होते हैं ए एंड बी। इसी प्रकार से जैंथोफिल येलो कलर प्रोवाइड करता है, कैरोटीन ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, एंथोसाइनी वायलेट कलर प्रोवाइड करता है, ये सेल सेट में पाया जाता है। जैंथोफिल कैरोटीन ये पेटल्स में पाया जाता है, शुगर पेटल्स में पाया जाता है, फ्लावर्स की जो पंखुड़ियां होती है उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट वन एंजाइम है जिसको हिंदी में कहते हैं वीकर, ये बायो कैटलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, जैव उत्प्रेरक के रूप में। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर फॉर्म। एज ए रिजल्ट एनर्जी लिबरेट्स एंड दिस लिबरेटेड एनर्जी इज यूज इन वाइटल एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स। एग्जाम्पल डाइटेज एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। थर्ड सेक्रेटरी प्रोडक्ट में नेक्टर है जिसको कि हिंदी में कहते हैं मकरंद। इट इज स्वीट मटेरियल विच कंटेन ग्लूकोज सुक्रोज फ्रेक्टोज एंड द फंक्शन ऑफ नेक्टर इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्टर जो है इसको हिंदी मकरंद कहते हैं, और ये स्वाद में मीठा होता है, इसके अंदर ग्लूकोज सुक्रोज फ्रेक्टोज पाया जाता है। ये कीटों को आकर्षित करता है जिसके द्वारा परागण होता है। रिजर्व फूड मटेरियल में जो थर्ड है वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। प्लांट्स के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, और ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा प्लांट्स में बनते हैं और प्लांट्स में ही रह जाते हैं, लेकिन बार्क के रूप में ड्राई लीव्स के रूप में ये कभी कभी प्लांट से बाहर निकल जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, इनमें से कुछ वाटर में सोलेबल होते हैं और कुछ वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं। एल्कलॉइड्स, नंबर वन एल्कलॉइड्स जो है ये वाटर में सोलेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये एल्कोहल में सोलेबल होते हैं और क्लोरोफॉर्म में सोलेबल होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। एल्कलॉइड्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बने होते हैं, और एल्कलॉइड्स जो होते हैं ये मेडिसिन के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुनीन इज इट्स ए मेडिसिन, ये मलेरिया पेशेंट को दी जाती है। सिंकोना प्लांट से ड्राइव होती है। निकोटीन टोबैको प्लांट से ड्राइव की जाती है। कैफीन जो है ये पॉपी प्लांट से ड्राइव की जाती है, और थीन जो है वो टी प्लांट से ड्राइव की जाती है। कैफीन और थीन स्टिमुलेंट मटेरियल होते हैं, और इसको हिंदी में कहते हैं उत्तेजना वाले पदार्थ। जब आप थके होते हैं तब इन पदार्थों को लेते हैं और ताजगी आ जाती है। नेक्स्ट है लेटेक्स। लेटेक्स कई प्रकार के होते हैं, ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, येलो और व्हाइट कलर के लेटेक्स। रबर प्लांट से भी लेटेक्स मिलता है और इससे रबर बनाई जाती है। इसेंशियल ऑयल्स
कई प्रकार के एसेंशियल सोयल होते हैं, जैसे कि गुलाब गुलाब जल होता है, और गम, ऑर्गेनिक एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक एसिड लाइक सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड लेमन से मिलता है, वैलिक एसिड जो होते हैं कच्चे एप्पल से मिलता है, टार्टरिक एसिड जो है इमली से मिलता है। सो इस प्रकार की वीडियो आप लोगों ने देखे, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव सेल इंक्लूजन तीन प्रकार के होते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।